नमस्ते दोस्तों, मेरी अम्मी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं मिक्स सब्जी वाली दाल। ये मैंने व्यूअर्स के कहने पे बनाया है। आज संडे है तो हमने इसे लंच में बनाया। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। चावल और रोटी दोनों के साथ आप खा सकते हैं। चावल में थोड़ा पतला तरी रखें और रोटी में गाढ़ा अच्छा लगेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी आसानी से इसे बना सकता है। दोस्तों, कोई भी रेसिपी सीखनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। मिक्स सब्जी वाली दाल के लिए सामान बताते हैं। दाल लेते हैं, ये मैंने 50 ग्राम दाल लिया है। आप ज़्यादा लीजिए, कम लीजिए या दूसरा दाल भी ले सकते हैं। इसे धोकर रख लिया है मैंने। पत्ता गोभी 1 कटोरी चॉप किया हुआ, लौकी 1/2 कटोरी चॉप किया हुआ, गाजर 1/2 कटोरी चॉप किया हुआ, कद्दू 1/2 कटोरी चॉप किया हुआ, 4 चम्मच तेल, 1 हरी मिर्ची चॉप किया हुआ, 1 प्याज चॉप किया हुआ, अदरक कूटा हुआ 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच धनिया चॉप किया हुआ, हींग 1/2 चम्मच लेना है, आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, तेज पत्ता और जीरा मैंने फ्राई करने के लिए लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच। इनमें से कोई भी सामान अगर आपके पास नहीं हो तो भी ये रेसिपी आसानी से बन जाएंगे। इस सब्जियों में से जो सब्जी आपको पसंद नहीं है वो आप हटा सकते हो, और जो सब्जी आपके पास है वो ऐड भी कर सकते हो। कढ़ाई गरम कर लीजिए और 2 चम्मच तेल उसमें डाल दीजिए, 2 चम्मच बाद में डालने के लिए रख लीजिए। अब इसमें प्याज डाल के हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करिए और बाकी सब्जी भी इसमें ऐड कर दीजिए। सारे सब्जी डाल दीजिए, उसे थोड़ा हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। थोड़ा फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा। इसे मीडियम आंच पे फ्राई कर लीजिए। बस इतना ही फ्राई करना है। अब कुकर के अंदर ये दाल डाल देते हैं और सारे सब्जी उसमें ऐड कर देते हैं और मसाले ऐड कर देते हैं। एक गिलास पानी डाल लीजिए, आप 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लीजिए। 1 गिलास पानी भी चलेगा, बाद में और पानी ऐड भी कर सकते हैं। अब इसे मीडियम आंच पे चढ़ाना है और 4 सीटी होने तक पकाना है, और ये 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा 4 सीटी होने में। फिर ये अच्छी तरह से पक जाएगा। देखिए 4 सीटी हो गया, ये लास्ट सीटी है। अब इसे खोल लेते हैं। अब ये सारे सब्जी पक गए हैं, दाल भी पक गया है। अब इसमें तड़का लगा देते हैं। बचा हुआ 2 चम्मच तेल इसमें डाल देते हैं, जीरा और तेज पत्ता डाल देते हैं, हींग डाल देते हैं,
हींग डाल देते हैं। तड़का तैयार हो गया है। इसमें आधी चम्मच नींबू का रस डालते हैं दाल के अंदर, और धनिया पत्ता भी डाल देते हैं, और गरम मसाला पाउडर जो बाद में ऐड करते हैं, और ये छौंक उसमें डाल देते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है, आप इसे खाइए, टेस्ट करिए। आप इसके ऊपर घी भी डाल के खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं।